बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा हाथरस की गैंगरेप घटना का विरोध तथा कच्छ के रापर नगर में देवजी महेश्वरी की हुई हत्या का विरोध करते हुए आज जन आक्रोश रैली का आयोजन किया था, लेकिन पुलिस द्वारा रैली निकालने से पहले ही कई कार्यकर्ताओं की अटकायत की गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिला में 19 वर्ष से दलित समाज की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना कच्छ जिला के रापर शहर में इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन गुजरात राज्य के प्रभारी वैसे वकील देवजी महेश्वरी की हत्या और आजमगढ़ के प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या की घटना का विरोध करते हुए आज बहुजन क्रांति मोर्चा द्वारा विरोध जन आक्रोश रैली का आयोजन किया था। बहुजन क्रांति मोर्चा के साथ एफिलिएटेड संगठन मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी सहित की कई संस्था के कार्यकर्ता जुड़े थे, जो तमाम घटना अंतर्गत आज पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हुए आज शहर के नवायाड़ भट्टा विस्तार से रैली का प्रारंभ करना चाहा था, लेकिन पुलिस द्वारा पहले से ही लादे गए बंदोबस्त के तहत रैली को सफल बनाने से पहले ही रोक लगाई गई और रैली में जुड़े वैसे कई संस्था के 10 से 15 जितने कार्यकर्ताओं की अटकायत की गई। रैली निकालने से पहले ही पुलिस द्वारा लोगों की अटकायत कर एक अपराधी की तरह कार्यकर्ताओं के साथ बर्ताव किया गया, जो अटकायत के बाद पुलिस की कामगिरी पर भेदभाव और कार्य के आरोप लगाते हुए एक और राजकीय कार्यक्रम हो या राजकीय आंदोलन या तो फिर चुनावी प्रचार को लागू कार्यक्रम, ये तमाम कार्यक्रम पर पुलिस एक मुख्य प्रेक्षक बनकर सरेआम भीड़ इकट्ठा होने के बावजूद कोई भी कार्यवाही नहीं करती, जबकि बहुजन क्रांति मोर्चा के इस प्रकार के कार्यक्रम पर पुलिस द्वारा रोक लगाते हुए गाइडलाइन के नियम अमलवारी की दुहाई दी गई थी, जिसका कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश छाया था। આજે રોજ જે આજે રેલીનું આયોજન હતું એની અંદર પોલીસવાળા રેલી કાઢે એની પહેલાં જ બધી બાજુ પોલીસ ગોઠવાઈ અને આજે બધાની ધરપકડ કરી અને એ બી ફતેગંજ પોલીસ સ્ટેશન લઈ જવાને બદલે અહીંયા આગળથી લઈને પાછા રણોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં મોકલવાની વાત કરે અને પોલીસનું વર્તન અમારી જોડે બિલકુલ બેરોજગારી એવું રહ્યું, અમને તકલીફ ચાલી. શેની રેલી કાઢવાના હતા આજે? અમે જે ન્યાય માટે જે હાથરસમાં થયેલી ઘટના છે એની માટે ન્યાય માટે અમે રેલી કાઢવાના હતા. આજે કેટલા લોકોની ધરપકડ કરી? આજે 10 થી 15 જણની ધરપકડ થઈ. સુનિલ પરમાર.